दर्शकों का स्वागत करते हैं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आती है हेडलाइन। दीपावली के लिए मुंबई नागपुर के बीच 6 विशेष ट्रेनें, अनाधिकृत निर्माण कार्य को मनपा का संरक्षण। सीआरपीएफ जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। दीपावली में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ और प्रतीक्षा रुचि को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा मुंबई के दौरान 6 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 02031 नागपुर मुंबई के बीच ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। नागपुर शहर की सड़कों पर बड़े पैमाने में अवैध निर्माण कार्य है। इनमें रहवासी व्यवसायिक स्थल की इमारत और मकान शामिल है। ऐसे निर्माण कार्यों को ढहाने की सिफारिश किए जाने के बाद भी पिछले 2 साल से इन अनाधिकृत निर्माण कार्यों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इन मामले में गांधीबाग जोन सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ में हरियाणा के जवान ने सुसाइड कर दिया। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान ने अपने सर्विस राइफल से बुधवार सुबह 5:30 बजे खुद को गोली मार दी। गोली मारने की वजह से सीआरपीएफ जवान ने गोली मारी अभी तक पता नहीं चला। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।